group of education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is math. Kids, today we are doing the revision session for FA2 exam. And this is session number 1. तो आज हम FA2 के एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे. तो आपके रिवीजन में, आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड चैप्टर नंबर 6 HCF एंड LCM, ये दो चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे आज के सेशन में, दैट इज रिवीजन सेशन पार्ट 1. इसमें हम चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को एक बार फिर से इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इनके इम्पोर्टेंट स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियोस. जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उन वीडियोस में जो एक्सप्लेन किया वही हम करेंगे, बट सिर्फ मेन पॉइंट्स ही मैं कवर करूंगी. क्लियर? इस वीडियो के साथ मैं आपको जो एग्जाम है आपकी, इस बार आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दो टाइप की एग्जाम्स आएंगी. सब्जेक्टिव आपको लिखना है, आपके आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, उन पेपर्स पर आपको लिखना है. क्लियर? ऑब्जेक्टिव पेपर जो आप इतने टाइम से गूगल फॉर्म पे कर रहे हो, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव पेपर है. तो हम जो दो रिवीजन सेशन लेंगे, तो एक सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव पेपर भेजूंगी और एक सेशन में सब्जेक्टिव पेपर भेजूंगी. तो आज के रिवीजन वीडियो के साथ आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी मैंने करेक्ट आंसर्स टिक कर दिए हैं, बट आप उन आंसर्स पर सिर्फ टिक नहीं करोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, उस तरह के आंसर आपको आते हैं या नहीं चेक करोगे. क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज रिवीजन विद चैप्टर नंबर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सबसे पहली बात, फैक्टर्स किसे कहते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर आर दोज विच डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 × 3. 2 × 3 = 6. तो 6 है, ये है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 6 का फैक्टर क्या है? 6 का फैक्टर 2 भी है, 6 का फैक्टर 3 भी है, मतलब 6 2 के एंड 3 के टेबल में आता है. तो इस तरफ वाले जो नंबर्स है ये फैक्टर्स है, यहाँ आंसर में जो नंबर आएगा वो है आपका मल्टीपल, वो है आपका मल्टीपल. क्लियर? ये एक बार कर लिया है तो हम सिर्फ कवर अप करेंगे. मल्टीपल्स किसे कहते हैं? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय काउंटिंग नंबर्स. किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम मल्टीपल्स कहेंगे. क्या कहेंगे? मल्टीपल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स अगर पूछते, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू फैक्टर्स ऑफ 20, राइट, फैक्टर्स ऑफ 20, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो 1 × 20 = 20, 2 × 10 = 20, 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 4 × 5 = 20, करेक्ट? तो इस तरह से अब फैक्टर्स पूछा है तो आप फैक्टर्स कौन कौन से लिखोगे? 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. अब ये 1 जो है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते ही हैं. तो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो एग्जाम में मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही है. 12 जो है वो 12 का फैक्टर होता ही है. क्यों? क्योंकि 12 1 = 12, तो 12 का फैक्टर 12 होता है.
करेक्ट। यहाँ पर देखिए 12 ones are 12, so every number is a factor of itself। ये 12 अपने आप का भी फैक्टर है, ये मल्टीपल है तो इसका फैक्टर क्या है 12 है, ये फैक्टर है तो इसका मल्टीपल क्या है 12 है। सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देन वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो है वो हर नंबर का फैक्टर माना जाता है। देन अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, तो जो फैक्टर है वो या तो लेस देन होता है या इक्वल टू। यहां पर आप देखिए टू वन्स आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, तो अब टू का फैक्टर टू है दैट इज इक्वल टू, फोर का फैक्टर टू है तो लेस देन फोर, सिक्स का फैक्टर टू है तो लेस देन सिक्स, देन फोर का फैक्टर या आई मीन सॉरी सिक्स का फैक्टर थ्री भी है तो अगेन इट इज ऑल्सो लेस देन सिक्स। तो आइदर अ नंबर्स फैक्टर इज इक्वल टू और लेस देन द गिवन नंबर, या तो इक्वल होता है या उससे लेस होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मल्टीपल जो है वो बड़ा नंबर होता है, फैक्टर ऑलवेज इक्वल टू या कम होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में क्या हमने सीखा था, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता ही है। जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल में देखा 12 वन्स आर 12, तो 12 के टेबल में 12 तो आएगा ही, सो हर नंबर खुद का मल्टीपल होता ही है। देन एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, हर नंबर जो है हर कोई नंबर वो वन के टेबल में आता ही है, तो वन में सारे नंबर्स मल्टीपल है। देन एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, तो यहां पर हमने जैसे किया कि टू वन्स आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, तो कोई भी नंबर आप ले लो उसका मल्टीपल जो है वो आइदर इक्वल टू होता है या उससे ग्रेटर देन होता है। यहां टू से ग्रेटर होता है उसका मल्टीपल, सो मल्टीपल ऑलवेज ग्रेटर होता है और फैक्टर ऑलवेज इक्वल टू या लेस देन, फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन, मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर, फैक्टर लेस होता है, मल्टीपल ग्रेटर या इक्वल टू होता है। क्लियर, ये याद रखना है आपको। एमसीक्यूज में ऐसे प्रॉपर्टीज में से भी हम कुछ भी ब्लैंक बनाकर पूछ सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स जो है वो आइदर वन है या तो फिर दैट नंबर इटसेल्फ है, मतलब कि ऐसे नंबर जो या वन के टेबल में मल्टीप्लाई होते हैं या अपने ही टेबल में आ जाते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आते, इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्री, थ्री एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि आइदर वन थ्री जा थ्री या तो थ्री वन जा थ्री, बाकी किसी टेबल में थ्री नहीं आता है, तो इसीलिए थ्री प्राइम नंबर है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट, जो नंबर्स वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी किसी और टेबल में मल्टीप्लाई होते हैं तो उन नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमने कवर किया था वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन की दो मेथड्स हमने सीखी थी, एक था फैक्टर ट्री मेथड, एक है डिवीजन मेथड, एक फैक्टर ट्री मेथड एक डिवीजन मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, फैक्टर ट्री मेथड, यहां पर मैं डिवीजन मेथड करूंगी,
24 के हो. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम 2 के टेबल से लेंगे. सो 2 हाउ मच आर 44, तो आप 22 लिखोगे. 2 2s आर 4, 2 2s आर अगेन 4, 22. अगेन ये 2 प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर आगे आप नहीं कर सकते. आगे करोगे तो सिर्फ 2 1s आएगा, 2 1s आ, तो ये हमें नहीं करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका एंड आ गया, अब इससे आगे आप नहीं कर सकते. अब 22 को ले लीजिए, अगेन 2 11s आ, तो ये अगेन प्राइम नंबर आ गया. अब ये 11 जो है वो 11 1s आ, खत्म. तो यहाँ पर 2 × 2 × 11. अब इसी नंबर को डिवीजन मेथड में मैं अगर करती हूँ तो यू विल राइट 44 लाइक दिस, देन डिवीजन मेथड. 2 22s आ, देन 2 11s आ, 11 1s आ. सो यहाँ पर भी 2 × 2 × 11. दिस शोज कि आप मेथड कोई भी यूज करो बट उसके आंसर जो है, फैक्टर्स जो है वो सेम ही आते हैं. क्लियर? सेम आते हैं आंसर. आप मेथड कोई भी यूज करो, फैक्टर ट्री मेथड यूज करो या डिवीजन मेथड यूज करो, मगर एग्जाम में अगर पर्टिकुलर किसी मेथड का नाम दिया गया है तो आप उसी मेथड से इसे सॉल्व करोगे. क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस दैट डिविजिबिलिटी टेस्ट. इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था डिविजिबिलिटी टेस्ट. फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट वॉज अबाउट 2, डिविजिबिलिटी बाय 2. इसका मतलब है 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर्स, और रिमाइंडर्स नहीं बचते हैं. दैट इज कोई भी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर. इवन नंबर किसे कहते हैं? दोज नंबर विच एंड विद 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर ले लो जिसमें एंड में, मतलब के वंस की जगह पर 0, 2, 4, 6 और 8 लगे हो, तो इन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं. आगे चाहे यहाँ पर मैं 9, 7, 3 एंड में शायद मैंने 2 लगा दिया तो ये ऑड है, बट ये लास्ट नंबर इवन है तो ये पूरा नंबर इवन बन जाता है. ये पूरा नंबर इवन है क्योंकि वंस की जगह पर यहाँ इवन नंबर है, तो ये भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है एंड इट इज डिविजिबल बाय 2. तो एनी नंबर विच इज हैविंग एन इवन नंबर इन द वंस प्लेस आर डिविजिबल बाय 2. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए बहुत सिंपल है. एंड नंबर, वंस की प्लेस का नंबर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5. डिविजिबिलिटी बाय 5, एनी नंबर विच हैज 0 और 5 इन द वंस प्लेस. वंस की प्लेस में 0 या 5 हो, इस तरह के नंबर्स को आप 5 के टेबल में डिवाइड कर सकते हो. करेक्ट? दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10, एनी नंबर विच हैज 0 इन द वंस प्लेस. कोई भी नंबर जिनके वंस के प्लेस में सिर्फ 0 होने चाहिए, तो ऐसे नंबर्स जो है वो 10 के टेबल में डिविजिबल हैं. दे आर डिविजिबल बाय 10. देन डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या करना है? आपको जो भी नंबर दिए हो उन नंबर्स को इंडिविजुअल उनके डिजिट्स को ऐड कीजिए. एड करने के बाद उसका जो भी आंसर आता है अगर वो 3 में डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 में डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ 2732. तो अब 3 में डिविजिबल है या नहीं इसे चेक करने के लिए 2 + 7 + 3 + 2. तो 2 + 7 9, 9 + 3 9 + 3 12 12 + 2 14. तो 14 3 के टेबल में कहीं आता है? नहीं आता है. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3.
अगर मैंने यहाँ 2, 7, 3, 3 लिया है तो 2 + 7 + 3 + 3 मैं ले लूंगी तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 15। सो 15 3 के टेबल में कहीं डिविजिबल है? यस, 3 5 = 15। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। समझ गए? डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे होता है? कुछ करना नहीं है, जो भी नंबर है उनके डिजिट्स को ऐड कीजिए, फाइनल आंसर जो आपको मिलता है अगर वो 3 के टेबल में डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में डिविजिबल है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 6। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई भी नंबर जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के साथ भी कीजिए, इफ यू फाइंड कि यस 2 के टेबल में डिविजिबल है, फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के साथ कीजिए, इफ यू ऑल्सो फाइंड कि 3 के टेबल में भी डिविजिबल है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो वो 6 में भी डिविजिबल है। बट द रूल इज दैट कि 2 एंड 3 दोनों में होना चाहिए, सिर्फ एक में होता है तो ये डिविजिबल नहीं है, 6 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। अगर 6 के टेबल में उसे डिविजिबल होना है तो टेस्ट फॉर 2 एंड टेस्ट फॉर 3 दोनों में वो डिविजिबल आना चाहिए। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 9। द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर भी 3 की तरह ही करना है, उन डिजिट्स को इंडिविजुअली लिखिए, ऐड कीजिए, जो भी आंसर आता है अगर वो 9 के टेबल में डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 के टेबल में डिविजिबल है। इट इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। नेक्स्ट, वी लर्न रिगार्डिंग द को प्राइम नंबर्स। ये एक और टॉपिक है जो हमने इस चैप्टर में कवर किया था, को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 7 एंड 10। तो कोई भी नंबर जिनके लिए सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 7, तो 7 1 जा, यहाँ पर मैं 10 ले लेती हूँ, 2 5 जा, 5 1 जा, ओके 5 1 जा। सो यहाँ पर क्या होगा, 7 के फैक्टर्स है 7 एंड 1, 10 के फैक्टर्स है अगेन 2 5 एंड 1, तो क्या होगा, दे आर को प्राइम। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। सो नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमने बहुत सी एक्सरसाइजेस सॉल्व की, इन एक्सरसाइज के आंसर्स भी आपको मिल गए थे, तो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर ली होगी, सारे के सारे जो हमने सम्स किए उन्हें सीख लिया होगा, क्लियर? ओके, तो अब आपको फैक्टर ट्री मेथड एंड डिविजन मेथड आ गए होंगे। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट इस चैप्टर में जो सीखी उससे बेनिफिट क्या होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आपने सीखी उससे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि जब आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हो, चाहे डिविजन मेथड से या तो फैक्टर ट्री मेथड से, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं किसी भी नंबर के साथ। और एक मैंने इम्पोर्टेंट नोट आपको ये सिखाया था कि कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन कर लो, फॉर एग्जाम्पल 64 मैं ले लेती हूँ, अभी 64 का मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो आई विल नॉट जंप डायरेक्टली 8 8 = 64, ये नहीं कर सकते। आई नो आप में से कुछ बच्चों को टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं, बट ऐसे नहीं करना है, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करना है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए, अगर 2 में नहीं हो रहा है देन जंप टू 3, अगर 3 में भी डिविजिबल नहीं है देन जंप टू 4, तो स्टेप बाय स्टेप आप लीजिएगा तो आसानी होगी।
वरना रॉन्ग आंसर आ जाएगा. सी आई एम सॉल्विंग इट. टू, क्योंकि ये इवन नंबर है तो टू में आ जाएगा. सो टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर. करेक्ट, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर. दैट मीन्स टू थर्टी टू जा सिक्सटी फोर. अगेन दिस इज इवन, सो अगेन विल टेक विथ टू. अगेन टू के साथ करेंगे. टू वन जा टू, यहां पर एक कैरी हो जाएगा क्योंकि टू वन सा सिर्फ टू है, यहाँ थ्री है, मतलब वन यहाँ पर आ जाएगा. अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगती है तो आप इस तरह से करके देख लीजिए. थर्टी टू, टू के टेबल में टू वन सा टू, वन रिमेनिंग, ब्रिंग दिस टू डाउन, टू सिक्स जा ट्वेल्व. तो यहां पर भी मैंने वही किया, टू वन सा टू, वन रिमेनिंग, तो ये वन इन टू ट्वेल्व बन गया. टू सिक्स आर ट्वेल्व. अगेन टू के टेबल में क्योंकि इवन नंबर है तो टू के टेबल में अगेन करते हैं. टू एट आर सिक्सटीन, इवन नंबर अगेन. सो टू टू फोर आर एट, टू टू आर फोर, टू वन आर टू. सो नाउ फैक्टर्स ऑफ सिक्सटी फोर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमने किया डिविजन मेथड में. एक और सम ले लेते हैं, वी विल सॉल्व इट इन द फैक्टर ट्री मेथड. एक और सम फैक्टर ट्री मेथड से हम ले लेते हैं जिसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 48 में लेती हूँ, ये इवन नंबर है तो मैं यहाँ 2 से ही स्टार्ट करूंगी. 3 बनाते जाना है और कुछ नहीं करना है. 2 के टेबल में 48, सो 2 टू जा, 2 टू जा 4, 2 में 8 कहाँ आता है, 2 फोर जा 8. अगेन 24 इवन है तो 2 के टेबल से ही लेंगे. 2 वन जा 2 एंड टू टू जा फोर. अगेन टू के साथ क्योंकि इवन नंबर है, टू सिक्स जा ट्वेल्व. अगेन टू थ्री जा सिक्स, नाउ थ्री वन जा. तो यहां पर देखिए टू 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 थ्री, जो भी प्राइम नंबर्स मिलते हैं उन्हें सर्कल कर दीजिए. जितने भी प्राइम नंबर्स आ जाते हैं जब तक आपको वन नहीं आ जाता तो उन सारे को सर्कल कर दीजिए. सो नाउ फैक्टर्स आर, फैक्टर्स ऑफ 48, वन टू थ्री फोर. सो फोर टाइम्स टू, वन टू थ्री फोर एंड वन टाइम थ्री. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ये 48. तो इतना ही था बस इस चैप्टर में. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड यू आर हैविंग नो डाउट्स. मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूं कि जो मैं आपको पैटर्न के साथ एग्जाम पेपर भेज रही हूं पीडीएफ के थ्रू, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम फिगर्स या सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में पूछे होंगे. दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस पेपर, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए कि इस तरह से हम पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो आई होप कि आपने ये सब क्लियरली समझ लिया होगा. तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा? फर्स्ट फैक्टर्स, व्हाट आर फैक्टर्स, देन व्हाट आर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या है ये आपने सीखा है. देन हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दोनों की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज की. प्रॉपर्टीज में क्या सीखा? फैक्टर्स की प्रॉपर्टी में एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. करेक्ट, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स में क्या क्या आती है?
एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स के बारे में हमने क्या सीखा? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 to 100 का जो आपको टेबल दिया है उसमें वन सर्कल नहीं किया है उन्होंने टेक्स्ट बुक में, तो आप ये मत सोचना कि वन प्राइम नंबर है। वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, वन एक स्पेशल नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर? नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो उन नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे। क्लियर? नाउ यहां पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और द ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है तो वो कौन सा है? टू। टू इवन नंबर है बट टू एक प्राइम नंबर भी है, क्योंकि टू जो है वो वन के टेबल में या टू के टेबल में ही आता है। वन टू जा टू, टू वन जा टू, बाकी किसी टेबल में टू नहीं आता है। सो टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्लियर? फिर कौन सा इवन नंबर है? स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर। मैंने पूछा स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर, इससे पहले क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन सा था? टू। सो नाउ स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? वन ऑड नंबर है, टू इवन है बट प्राइम है, थ्री अगेन ऑड नंबर है, फोर यस फोर कॉम्पोजिट भी है इवन भी है, सो स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर इज फोर। तो ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। क्लियर? क्योंकि अब आप छोटे नहीं हो तो मैंने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है एग्जाम का। बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चंस मैं नहीं पूछूंगी, थोड़ा मैंने डिफिकल्ट पेपर निकाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट वी लर्न रिगार्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कितनी टाइप के मेथड है? व्हाट डिड आई टेल यू? यस, देयर आर टू टाइप्स और टू वेज, टू मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। वन इज फैक्टर ट्री मेथड एंड द अदर वन इज डिविजन मेथड। एक है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा है डिविजन मेथड। फिर हमने सीखा डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट टू के लिए क्या है? डिविजिबिलिटी फॉर टू, यस वंस की प्लेस में जहां पर भी इवन नंबर आते हैं तो वो सारे नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू। देन डिविजिबिलिटी बाय फाइव, सो एनी नंबर विच हैज अ जीरो और अ फाइव इन द वंस प्लेस देन दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय फाइव। देन डिविजिबिलिटी बाय टेन, any number which has a zero in the ones place is divisible by 10. then divisibility by 3, 3 ke table mein divisible hai ya nahi? simple, you should add all the digits given in the number and the sum of the digits. if the sum of the digit is divisible by 3 then that number is also divisible by 3. then divisibility by 6, इसमें हमने क्या सीखा? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट टू का करिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट थ्री का करिए। अगर दोनों में वो डिविजिबल है सेम नंबर देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सिक्स, तो वो सिक्स के साथ भी डिविजिबल होगा। देन डिविजिबिलिटी बाय नाइन, डिविजिबिलिटी बाय नाइन में थ्री की तरह ही सारे डिजिट्स को आप ऐड कीजिए। अगर उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय नाइन आता है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन। ओके, देन वी लर्न रिगार्डिंग को प्राइम नंबर,
Two numbers that have only one as a common factor are known as co-prime numbers. Clear? तो इस चैप्टर में हमने इतना सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस भी किया है और सीख भी लिया है. नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी. क्लियर? जो पेपर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो दोनों चैप्टर का मिक्स पेपर है. नेक्स्ट सेशन में मैं सब्जेक्टिव पेपर भेजूंगी जो आपको सॉल्व करना है. करेक्ट? हैंड रिटन होगा वो. तो इस पेपर में मैंने आंसर्स ऑलरेडी टिक किए हुए हैं. तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को पहले कॉपी कर लोगे, आंसर टिक नहीं करना है, क्वेश्चंस को कॉपी कर लोगे, फिर अपने आप उन्हें सॉल्व करके आंसर्स आप टिक कीजिए. तो क्या आपके टिक किए हुए आंसर और मेरे टिक किए आंसर सेम है, ये टैली करेंगे आप, ताकि आपको जहां पर भी डिफिकल्टी है वो आपको रियलाइज हो जाए और वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना बाद में. ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो लेट मी टेक योर लीव. बाय.